सर्वेशम रजतगिरिनिभम चारुचंद्रावतंसम रत्नाकल्पोजलांगम पशुमृगवरा भीतिहस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात् विसुतममणगणैर्व्याघ्रकृतं वसानम विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वती पतये हर पादे शंभो। नमस्कार बंधुवर, मेरे पास लॉन्ग ब्रास पेंडुलम है और ये सबसे डाउजिंग का बेहतरीन उपकरण है। इसके माध्यम से यस और नो, हा और ना, इस चीज की हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। पेंडुलम आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कनेक्ट हो जाता है। आपका सबकॉन्शियस उस क्रिया के साथ जुड़ जाती है और उसके आधार पर सवालों का जवाब दिया जाता है। आप सबसे पहले पेंडुलम को अपने हाथ में लेकर के अपने इष्ट देवता का ध्यान करेंगे। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान संस्मरे नित्यम वेदवाणी प्रवर्ते। अपने इष्ट देवता का, कुल देवता का, और जिसको भी आप जिसकी साधना करते हैं उस देवता का ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। यह पेंडुलम जो है मेरा मार्गदर्शन करे, मुझे सत्य का ज्ञान कराए, और ये भावना के साथ आप डाउजिंग शुरू करिए। किंतु डाउजिंग में पकड़ने के भी अलग अलग तरीके हैं। डाउजर को ऐसे भी पकड़ सकते हैं, किंतु इसमें क्या है कि मैनिपुलेशन, हाथ की कोई भी आप पर डाउट कर सकता है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप इसको रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में धागे को रखिए और इस प्रकार से अब ये जो डाउजर है इसमें आपका कंट्रोल जो है खत्म हो जाता है। अब आपकी चेतना का कंट्रोल रहेगा, आपका जो सबकॉन्शियस है उसके आधार पर डाउजर काम करेगा। अब सबसे पहले इसकी एक लैंग्वेज सेट कीजिए आपने कि लैंग्वेज जो है इसकी क्या है। तो आप मन में बोलते हैं शो मी यस, हा बताइए, हा कैसे बोलेंगे, तो डाउजर हा कैसे बताएगा, यस की भाषा क्या है डाउजर की। तो ये क्लॉक वाइज मूव करेगा तो यस है। आप डाउजर से नो की भाषा पूछिए, नो किस तरह से बताएगा, तो ये एंटी क्लॉक वाइज हो गया। तो ये आपका डाउजर आपको क्लॉक वाइज मूव करने से यश बोलता है और एंटी क्लॉक वाइज मूव करने से नो बोलता है। अब हमारे सामने दो ये कटोरी है, इसमें हमने तीन मुख्य रुद्राक्ष बीच में है। अब हम ये रुद्राक्ष रखेंगे एक कटोरी में और ये चेक करेंगे कि किस कटोरी के नीचे रुद्राक्ष छिपा है, तो वो डाउजर हमको बताएगा। तो मैं पीछे मुड़ता हूं और आपने ये रुद्राक्ष किसी एक कटोरी में रखना है। जी जी। तो अब जो है आप सवाल पूछ सकते हैं, रुद्राक्ष किस कटोरी में। अब इनका सवाल यह है कि मैं रुद्राक्ष किस कटोरी में, दोनों कटोरी दिखने में एक है और रुद्राक्ष हमें पता नहीं है। तो अब मैं अपने डाउजर से सवाल करूंगा कि क्या इस कटोरी के नीचे रुद्राक्ष है। तो इसमें यह एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस कटोरी के नीचे रुद्राक्ष नहीं है। क्या इस कटोरी के नीचे रुद्राक्ष है? तो यहां पे ये क्लॉक वाइज मूव कर रहा है और ये बता रहा है कि इस कटोरी के अंदर रुद्राक्ष है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सही निकला कि नहीं निकला। तो आपने देखा कि हमने इसको पकड़ लिया रुद्राक्ष को कि किस कटोरी के नीचे रुद्राक्ष है। तो जिस दिन आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इस तरह से ये जो टेक्निक है जो अभी बताई हमने, जब आपकी टेक्निक सही निकल जाएगी उस दिन समझ लीजिएगा आपको डाउजिंग करना आ गया है और अब आप इस डाउजर का प्रयोग किसी के सवालों का जवाब देने में कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक से जवाब देगा और दूसरे का ठीक प्रकार से आप मार्गदर्शन कर पाएंगे। थोड़े से अभ्यास की, कॉन्फिडेंस की जरूरत है और अपने इष्ट देवता को साक्षी करने की जरूरत है। ओम शांति शांति शांति।